सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो एडिटिंग लेके आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। सो इंट्रो में जो डीजे बीट वाले स्टेटस वाला वीडियो देखिए, इस टाइप की वीडियो अगर आपको क्रिएट करना मतलब एडिटिंग सीखना है तो ये मेरा छोटा सा वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा वीडियो ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे मिलेगा दो और ऑप्शन, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक 9 सेकंड का इंटर वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है, उसके बाद फोटो वाला ऑप्शन जाना है और आपको यहाँ पे टोटल 3 फोटो को इस तरह से ऐड कर लेना है। ठीक है, तो देख सकते मैंने यहाँ पे इंटर वीडियो एंड 3 फोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद अब क्या, जितना भी फोटो मैंने ऐड किया सब फोटो का रेशियो 9:16 में सेट करना है। तो फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है, फर्स्ट पर मिलेगा यहाँ पे कन्वर्स वाला ऑप्शन, यहाँ पे जाना है। नीचे मिलेगा बहुत सारा रेशियो, तो आपको 9:16 वाला रेशियो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो एरर मिलेगा आपको इस तरह से 50 का लेना है एंड फोटो को इस तरह से सेट करके यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है। सेकंड फोटो में जाना है, सेम आपको प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है, सेम आपको इस तरह से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर सॉन्ग ऐड करना है। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग में आना है कुछ इस तरह से एंड आपको सॉन्ग ऐड करना है। तो यहाँ पर मिलेगा म्यूजिक वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस के ऊपर क्लिक करना है, माय म्यूजिक में जाकर यहाँ सब सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरे जो सॉन्ग है यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो इस तरह से आपको सॉन्ग को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, आपको फोटो में ड्यूरेशन सेट करना है। तो फोटो में ड्यूरेशन सेट करने के लिए फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और फर्स्ट वाला फोटो का ड्यूरेशन रखना है 1.7 सेकंड। तो ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पर मिलेगा ड्यूरेशन वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। पेंसिल में जाना है और आपको करना है 1.7 सेकंड। ठीक है, उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करना है। सेकंड फोटो में आ जाना है, पेंसिल ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक करना है, पेंसिल आइकन में जाना है और सेकंड वाला फोटो का ड्यूरेशन रखना है 2 सेकंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट वाला फोटो का ड्यूरेशन, जितना सॉन्ग का ड्यूरेशन है उतना आपको कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा सेट हो चुका है। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद अब क्या, आपको फोटो को हल्का सा आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। तो फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मिलेगा फिल्टर वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। एडजस्ट वाला ऑप्शन जाना है, सबसे पहले लाइटनेस को हल्का सा घटा लेना है कुछ इस तरह से, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे मिलेगा सेचुएशन को भी हल्का सा बढ़ा लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा भिगनेट को एकदम 100 एंड शार्पनिंग को करना है यहाँ पे 50%। ठीक है, अपटर्न भी बहुत देख सकते हो, तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डबल टिक वाला एरो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस करना है। तो जितना भी फोटो है सब फोटो को इस तरह से मेरा एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, वीडियो को आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना बस फोटो को। उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको फोटो में एनिमेशन ऐड करना है। तो फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है। एनिमेशन ऐड करने के लिए ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है, एनिमेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। कॉम्बो वाला ऑप्शन में आना है और फर्स्ट वाला फोटो में ये ट्रांस एल वाला एनिमेशन को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है। सेकंड वाला फोटो में जाना है, एनिमेशन में जाना है और कॉम्बो वाला ऑप्शन जाना है एंड ये जो है देख सकते हो कर्व आउट वाला एनिमेशन को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है। थर्ड वाला फोटो में जाना है, सेम आपको कर्व आउट वाला एनिमेशन को ऐड करना है। अगर आपका इन शॉर्ट एप्लीकेशन में ये कर्व आउट वाला एनिमेशन ये सब एनिमेशन नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे चल जाओ, वहाँ पे मेरा वाला इन शॉर्ट एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो एंड ये सब एनिमेशन को यूज कर सकते हो फ्री में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो मेरा वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे व्हाइट इफेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे आना है कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा फिल्टर वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे मिलेगा बीट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा व्हाइट इफेक्ट, देख सकते हो इसको ऐड कर लेना कुछ इस तरह से। स्टेन को फुल, इंटरवल को भी एकदम फुल, यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको घटा लेना कुछ इस तरह से इसका ड्यूरेशन एंड यहाँ पे सेट करना है एंड यहाँ पे आपको सेट करना है। ठीक है, ठीक है, उसको देखना आपको कॉपी कर लेना है, सेकंड वाला फोटो में ऐड करना है। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेट कर लियो। ठीक है, उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करना है। तो मेरा वीडियो फाइनली कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है।
तो इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हो। मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दी हूँ। आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ आ चुका है। एंड यार, इस वीडियो में जितना भी मटेरियल एंड वीडियो यूज हुआ है सबका लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपके इस वीडियो को करना है सेव, तो ऊपर मिलेगा सेव ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। फेवरेट को 60 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव करना है। तो मेरे वीडियो पे सेव होने स्टार्ट हो चुका है। सो यार, थैंक्स वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।